नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव तहसील में हरियाली से आच्छादित वादियों के बीच स्थित छोटेश्वर वर्तमान में धार्मिक पर्यटन स्थल का रूप ले चुका है। यहां पर विराजमान महाराज राजेश्वर मातृपुर सुंदरी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। ये स्थल शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की तपोस्थली भी है। ये स्थल गोटेगांव से 15 किलोमीटर दूर है, जबकि जबलपुर से 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर बस या स्वयं के साधनों से सुगमता पूर्वक पहुँचा जा सकता है। 1980 में हुई थी महाराज राजेश्वरी की प्राण प्रतिष्ठा। गोटेगांव के परमहंसी गंगा आश्रम में विराजमान त्रिपुर सुंदरी भगवती राजराजेश्वरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा 1980 में श्रृंगेरी के तत्कालीन शंकराचार्य अभिनव तीर्थ महाराज ने की थी। ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यहां पर तपस्या की है। भगवती राजराजेश्वरी शंकराचार्य की आराध्य देवी है। राजराजेश्वरी के मंदिर का निर्माण दक्षिण के कलाकारों द्वारा किया गया है, इसलिए इसमें दक्षिण भारत की कला भी दिखाई पड़ती है। मंदिर की खूबसूरती देखने ही बनती है। इस स्थल पर बसंत पंचमी के मौके पर 7 दिवसीय मेला पड़ता है, जिसमें स्थानीय आदिवासियों के अलावा दूर दूर से लोग मेले का आनंद लेने पहुँचते हैं। यहाँ आने वाले लोग एक और जहाँ पारंपरिक मेले का लुफ्त उठाते हैं, वही माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी सिद्धेश्वर महादेव शिवलिंग का दर्शन लाभ भी प्राप्त करते हैं। नवरात्र पर बड़ी संख्या में कलश स्थापना होती है, जिसे देखने के लिए जिले के अलावा अन्य प्रदेशों से भी लोग पहुंचते हैं और माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर जीवन धन्य करते हैं। यहाँ पर माँ राजराजेश्वरी का श्रृंगार खास है। मौसम के अनुरूप माँ का श्रृंगार मनोहारी होता है। कभी फलों से, कभी सब्जियों से, कभी मेवों से तो कभी स्वर्ण आभूषणों से माँ का भव्य श्रृंगार देखने लायक होता है। वही नवरात्र में अलग अलग दिन अलग अलग देवी रूपों में श्रृंगार किया जाता है। रामनवमी पर माँ को भगवान राम, जन्माष्टमी पर कृष्ण और शिवरात्रि पर शिव रूप प्रदान किया जाता है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। प्रार्थना करिए कि यहाँ जल की ये कोई व्यवस्था करिए, कैसे रहेंगे गांव के लोग, कैसे रहेंगे। तब गुरुजी एक दिन सभी गांव के लोग थे उनके साथ, तो गुरुजी पहाड़ चढ़ते गए, लोग नीचे रह गए और गुरुजी ऊपर पहाड़ तक आए। यहाँ पर तो पहाड़ पे आए तो वहाँ पे उन्हें गुरुजी ने हनुमान जी का ध्यान किया, तो वहाँ साक्षात हनुमान जी आए। ऊपर मंदिर है हनुमान जी का, तो वहाँ दर्शन दिए हनुमान जी ने और बोला कि यहाँ से गंगा जी निकली है। गुरु जी ने बस वहाँ से एक पत्थर हटाया तो वहाँ से गंगा जी निकल पड़े। आज भी निकल रही है। हाँ, गंगा जी की तरफ। तो वो गंगा जी का मंदिर यहाँ पर है और गंगा जल जो है वो उतना ही पवित्र है, क्योंकि हम बनारस की गंगा मैया का जल पी के आए हैं। शुद्ध जल हमने जो गंगा माता रानी का पिया है और यहाँ का जो जल पिया है, हमें एक अंतर नज़र नहीं आया।